तो खास तौर पर ये बवाल जो है वो बिहार और हरियाणा में नजर आ रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कोशिश बार बार यही है कि किसी भी सूरत में ये जो योजना है उसके जरिए युवाओं को समझाया जाए कि ये योजना उनके हित में है और भ्रम में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इस पूरी विवाद में राजनीति भी आ गई है। विपक्षी इसको लेकर कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये देखिए स्कूल बस तस्वीरों में नजर आ रही है, जहां छोटे छोटे बच्चे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सड़क पर पत्थरबाजी हो रही थी। और ये दरभंगा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कि रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। ये अपने घर जाने के लिए सड़क पर जरूर निकले थे, लेकिन जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई उसके बाद बीच में ही इन्हें यहाँ रोक दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो कि बसों में मौजूद हैं रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये विरोध किस तरीके का, अगर विरोध करना है तो उसके तरीके और भी हैं। ज्ञापन सौंपा जा सकता है, सड़कों पर नारेबाजी हो सकती है, लेकिन गाड़ियों को फूंका जा रहा है, आम लोगों को दिक्कतों में डाला जा रहा है, ये प्रदर्शन कैसा? सैनिक बनने की हसरत पाले हैं तो फिर ये प्रदर्शनकारी ये इस तरीके से हिंसा पर उतारू क्यों हो गए हैं? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो नई स्कीम लाई गई है उसके तहत युवाओं का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ये महज 4 साल के लिए क्यों, एक तो इतने लंबे वक्त के बाद ये भर्ती लाई गई और उसके बाद भी एज लिमिट भी रखी गई, हालांकि उसमें अब चेंजेस कर दिए गए हैं, पहले 17 से 21 साल तक थी और अब उसे बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। लेकिन इस बीच अभी भी प्रदर्शनकारी मानने को राजी नहीं है, उनका कहना है कि इस योजना को, इस स्कीम को सरकार को वापस लेना होगा। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, दरभंगा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां किस तरीके से बच्चे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही ये बस खड़ी हुई है क्योंकि सड़क पर लगातार पत्थरबाजी हो रही है और पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। तो विरोध के नाम पर देश फूंक दोगे क्या, सवाल ही खड़ा हो रहा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए, और ये दरभंगा और दानापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे ज्यादा विरोध बिहार में ही नजर आ रहा है, जहां रेलवे ट्रैक पर आप देख रहे हैं किस तरीके से भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं, पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद हैं। और ये देखिए तस्वीरें, डर लग रहा है आपको, प्रदर्शनकारियों की तरफ से जमकर बवाल हो रहा है, किस चीज का डर लग रहा है? और ये डरते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं, आंखों में आंसू है और